हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने ये पेंटिंग बनाऊंगा जिसमें एक लड़की बीच पे खड़ी हुई है। इसके लिए मैंने 12 बाय 16 इंच का MDF बोर्ड लिया है और जो कलर्स हम यूज़ करेंगे इस पेंटिंग के लिए वो वाइट, कैडमियम येलो, टर्कोइज ब्लू, ऑरेंज, बर्न अम्बर, पर्पल, ब्लू, ब्लैक और येलो आकर। सबसे पहले हम स्काई पेंट करते हैं। इसके लिए मैं पर्पल, टर्कोइज ब्लू, वाइट ये दो तीन कलर्स के साथ काम करूंगा। सबसे हम पहली लेयर पेंट कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक में एक वीडियो डालता हूं जो पेंटिंग ट्यूटोरियल होता है। स्काई हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, अब हम सी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजन लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए पर्शियन ब्लू और थोड़ा बर्न अम्बर मैंने मिक्स किया है, डार्कर टोन रखी है। फिर टर्कोइज ब्लू, पर्शियन ब्लू, वाइट, ये सब कलर्स यूज़ करके मैं एक लेयर पेंट कर रहा हूँ सी का। और इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रोक्स मेरे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। मैं पानी जब भी पेंट करता हूं तो ये ध्यान रखता हूं कि स्ट्रोक्स में किस तरह से कर रहा हूं। लहरें आ रही हैं इसलिए थोड़ा कलर वेरिएशन है बीच बीच में, जिससे आपको लहरों का एक टेक्सचर मिल जाता है। और उसके ऊपर फिर हम डार्कर टोन्स के साथ और वाइट्स के साथ हाईलाइट करेंगे, जिससे लहरों का जो एक इफ़ेक्ट है वो आ जाएगा। काफ़ी क्लीन बीच है, आप देख सकते हैं रेफरेंस फ़ोटो में। ये मेरी कंप्लीटेड पेंटिंग ही है जो मैंने आपको दिखाई है रेफरेंस फ़ोटो में, जिसको आप देखकर पेंट कर सकते हैं। थोड़ा उसमें पर्शियन ब्लू डाल रहा हूँ बीच बीच में, और क्योंकि जब समुद्र की लहरें बनाते हैं तो हम लाइट टोन में थोड़ा डार्कर टोन के साथ लाइनिंग बनाते हैं और फिर उसको हम लहरों का रूप देते हैं या पेंट करते हैं। फिर हम वाइट कलर के साथ उसका फैन बनाते हैं। अब हम वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत पॉइंटेड ब्रश है क्योंकि कैनवास मेरा बहुत छोटा है, 12 इंच बाय 16 इंच का कैनवास है, तो मुझे ब्रश साइज़ थोड़ा छोटे ही रखने पड़ रहे हैं। मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स में सी को पेंट किया है, आप उसको भी देखकर रेफरेंस ले सकते हैं। मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है सी और उसकी वेव्स। काफ़ी पेंटिंग्स मैं करता रहता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक पेंटिंग बनाया था जिसमें एक शिप जो है सी में दिखाया था, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स थे। आप उस वीडियो को भी देखकर सी बना सकते हैं। अब मैं स्काई के ऊपर फिर से काम कर रहा हूँ। इसमें जो है स्काई लाइन बनाई है, बादल हैं वाइट कलर के, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग है। और ये पेंटिंग मैंने एक रेफरेंस फ़ोटो को देखकर बनाया है। अब हम बीच की जो सैंड है उसके ऊपर काम करेंगे, तो उसके लिए येलो आकर, ऑरेंज, थोड़ा बर्न अम्बर, वाइट, ये दो तीन कलर मिक्स करके सैंड का कलर हम बना रहे हैं। कंट्रास्ट हो जाता है, देखिए ये थोड़ा जो भी अभी तक हमने कलर्स यूज़ किए वो कूल कलर्स थे, कूल थीम पे थे, ब्लू, टर्कोइज ब्लू, नाउ वार्म कलर आ गए हैं, येलो,
वन नंबर ऑरेंज, तो इस पेंटिंग में एकदम से कंट्रास्ट आ जाता है और उससे पेंटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। कलर का जो सिलेक्शन होता है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप ज़रूर ध्यान दीजिए कौन सा कलर किस कलर के साथ अच्छा लगता है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, कौन सा कॉन्ट्रास्ट करता है। तो मेरा वाइट कलर लगभग ख़त्म हो गया है, टाइटेनियम वाइट, सो हाँ थोड़ा उसको संभाल कर यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ही हैं, फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एक नंबर का, मेरा बहुत फेवरेट ब्रश है ये। दोस्तों अभी इंडिया में कोविड से हालत बहुत ख़राब है, सारे ही शहरों में बहुत सारे केसेस हैं और इस बार जो वेव 2 है वो और भी ख़तरनाक है। तो दोस्तों आप अपने घर पे बने रहिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाइए, वरना घर में रहिए। और जब आप घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर मास्क लगाकर निकले, हाथ भी अपने बार बार सैनिटाइज कीजिए। ये हम शेडो बना रहे हैं, जो गर्ल खड़ी हुई है उसका। और ये जो बीच है सैंड में डार्कर कर रहा हूँ वो एजेस को, क्योंकि पानी जब सैंड में जाता है अंदर तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट देने के लिए मैं थोड़ा बर्न नंबर से साइड में उसको पेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्काई के ऊपर फिर से थोड़ा टचअप बीच बीच में, क्योंकि ऑयल कलर को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए हम उसको रीडू कर सकते हैं। अब मैंने पॉइंटेड ब्रश से काम करना शुरू किया, अभी तक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा था। जो फिनिश पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, मैंने उसको रेफरेंस में दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एक बीच है, दूर दूर तक समुद्र है और कलरफुल स्काई है, पर्पल, टर्कोइज ब्लू, वाइट के शेड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो पेंटिंग। आप भी बना सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना मैं आसानी से उसको पेंट कर रहा हूँ। स्केच भी बहुत इजी है और आप एग्जैक्टली ये पेंट ना करके इस तरह की कोई पेंटिंग कर सकते हैं। अब हम गर्ल के ऊपर काम करेंगे, तो स्किन टोन के लिए मैंने कैडमियम येलो, ऑरेंज, थोड़ा बर्न अम्बर और वाइट ये यूज़ किया है। इंडियन लड़की है तो स्किन टोन भी उस तरह का रखा है। हम पहले बेस कलर के साथ पूरी बॉडी को फिल कर लेते हैं और फिर हम हाइलाइट्स के लिए डार्कर टोन्स और लाइटर टोन्स यूज़ करेंगे। तो जब भी हम स्किन या किसी फिगर को पेंट करते हैं तो तीन तरह का कलर मिक्स करते हैं, एक तो मीडियम टोन होती है, फिर एक डार्कर टोन होती है और एक लाइटर टोन होती है।
जिससे आप पूरी बॉडी को जहाँ जहाँ शेड्स देने हैं वहाँ डार्कर टोन से करेंगे, जहाँ आपको हाइलाइट्स करने हैं या लाइट का इफेक्ट करना है। अब हम हेयर को पेंट करें, इसके लिए मैंने पर्शियन ब्लू और बर्न अम्बर को मिक्स किया है। मैं ब्लैक बहुत कम यूज़ करूँगा। और अब इसमें जब हेयर पेंट करते हैं तो इसमें फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। बालों का जो फ्लो होता है उसको आपको समझना पड़ता है और उसी तरह से आपको स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं जिससे एक नेचुरल लुक आता है हेयर का। अब हम कॉस्ट्यूम के ऊपर काम कर रहे हैं। डार्क ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम है, उसके ऊपर थोड़ा फैब्रिक के डिज़ाइन है, वो हम बाद में पेंट करेंगे। अब देख सकते हैं आप, मैं डार्कर टोन के साथ उसको हाइलाइट्स कर रहा हूँ। अब हम बालों के ऊपर हाइलाइट्स कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा मैंने वाइट यूज़ किया है। अब हम वाइट के साथ थोड़ा बॉडी के ऊपर भी हाइलाइट्स कर रहे हैं। जिस तरफ से लाइट आ रहा है वो एक आपको इफेक्ट दिखाई देगा। अब जो उसका दुपट्टा है येलो कलर का, बहुत ही बेहतरीन कलर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस कलर से हम पेंट कर रहे हैं, सबसे पहले बेस, फिर हाईलाइट के लिए उसमें ये वाइट मिक्स करेंगे और डार्क के लिए उसमें बर्न अम्बर मिक्स करके शेडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रोक्स किस तरह से हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, जिस तरह से वो कपड़ा फ्लो कर रहा है उस तरह से हम स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हैं।
दोस्तों हमारा पेंटिंग लगभग तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा ये पेंटिंग ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। उसको पढ़कर मुझे समझ में आता है कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स या वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ।